हम लोग दिन में पर्चे के साथ में फिर सज्जा को अपने रूम जाना होता था हॉस्टल, फिर उसके बाद में फ्री होता था, फिर उसको बोलता था भाई कुछ खिला दे यार। बहुत तो बहुत अलग टाइप की दुनिया है, नेहरू विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर, ये उन गरीब लोगों की जगह है जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी सपने देख रहे हैं। तो इन सब लोगों ने, विनोद चोपड़ा ने और उनकी पूरी टीम ने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जिसमें हम कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ने की रास्ता निकाल सकते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉपर एथलीट मेरे आपके सामने आ गया, नहीं देखी तो मुरली से लेकर मनोज तक का ये बहुत ही मेरे खुद के लिए अनबिलीवेबल जर्नी है। ये एक्टर हमेशा बनना था, बन गए, लेकिन सब कहूँ तो लोगों के प्यार से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे, मैंने जो मांगा मुझे उससे ज़्यादा ही मिला। बहुत अच्छा लगता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ जिन कहानियों का हिस्सा बन पाया हूँ, जिन लोगों के साथ काम कर पाया हूँ। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि मेरी जो जर्नी है उसकी एक, उसका एक रीस्टार्ट हुआ है इस फिल्म के साथ। और जैसे मनोज सर और सब यहाँ पे सहमत हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है, तो मेरे लिए भी एक ही रीस्टार्ट मोमेंट है लाइफ में। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट एंड आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग, बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो फॉर मी। चाहेगा इस कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए, जो कहानी है जो इन दोनों की है, जिस तरीके से इस जगह पे शुरू हुई और जिस तरीके से ये मनोभाव प्रदर्शित करती है, जो एग्जांपल सेट करती है पूरे समाज के, वो अपने आप में एक बड़ा एग्जांपल बन के सामने आने वाली, और मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ रही कि आप बचपन में होते हो, आप, मैं छोटे से गाँव से हूँ, तो आप चाहते हो कि जो जो अलंकार जुड़ा हुआ है, जो जो उत्सव जुड़ा हुआ है सिनेमा के साथ पूरे भारत का, मैं उसका एक मतलब दर्शक रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी है। उत्पाद देखे थे और उस अलंकार में एक बहुत बड़ा मदारी है हमारे पास, विनोद चोपड़ा जी। तो आप चाहेंगे किसी भी तरीके से कि जो ये शिल्पकार है उसके 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 अंदर आप काम कर सको, तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि ना करूँ इस रोल के लिए। ऊपर जिस तरीके का ये कैरेक्टर है, जो वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है गौरी नंदन, वो जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो हर चीज हर तरीके से अलाइन ऐसी हुई थी कि ना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। अच्छा, हमने कल फिल्म देखी है चाय बनाना जो है, तो क्या आपको वाकई चाय अच्छी बनानी आती है या? सर, मैं बहुत अच्छा खाना भी बनाता हूँ, सब कुछ अच्छा बना लेता हूँ सर, मैं मतलब वेरी गुड कुक, तो मैं चाय भी बना लेता हूँ। और मेरे को तो मेरे अभी भी की चाय बना रहा था, तो इट वॉज वेरी नाइस, मैं चाय बना सकता हूँ। हेलो, या मैंने कंपेरेटिव एग्जाम्स के बारे में तो कभी नहीं सोचा था, पर क्योंकि मैंने टेंथ के बाद आर्ट्स कुछ पढ़ने के लिए लिया था, और तो तब मेरे टीचर मुझसे बोलते थे कि तुमने आर्ट्स इसलिए लिया है कि तुम्हें IAS PCA पढ़ना है, तो जैसे मेरा रुझान के सर कला की तरफ था, उसमें मैंने आर्ट्स लिया था। पर हाँ, कंपेरेटिव एग्जाम्स का थोड़ा सा अलग रहा है, मैं पटना से हूँ, पटना का माहौल जो है ऑलमोस्ट एकदम ऐसा ही है, छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं और मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो हाँ मैं उन लोगों के बीच में रहा हूँ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी की थी, मतलब MPOK वगैरह की प्रिपरेशन भी की थी मैंने, बाद में MBA भी किया, तो किया है वो चीज़, लेकिन IAS IPS नहीं, ना बाबा ना बाबा वाला मामला था। हाँ, मेरे भांजे वर्क कर रहे हैं, वो मैं उनको देखता हूँ, उनकी तैयारी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही डिसीजन लिया था कि मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरे बस से बाहर थी। और बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है ये, जैसे कि जिन्होंने भी किताब पढ़ी है, जिन्होंने भी हमने से फिल्म देखी है, सब जानते हैं कि ये जो मनोज सर के संघर्ष है उन्होंने किस तरह से दल के साथ दिया है, कोई भी देखिए होने का प्यार यही चाहिए, यही प्यार चाहिए, ये मिल जाए तो होती ही, मतलब आप पहुंच जाओगे जहाँ पहुँचना है, तो बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। कोई शूटिंग का ऐसा पल जो आप शेयर करना चाहें? कोई शूटिंग के बहुत सारे ऐसे पल हैं, एक खासतौर से मेरा बहुत स्पेशल मोमेंट है, जो एक सीन आता है जहाँ हम सब छूटे पेड़ खेल रहे हैं सारे फ्रेंड्स के साथ, तो वो एक सीन है जहाँ पे, तो विदु सर की बड़ी खासियत है कि जब भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो वो उसको चुपके से पे लेते हैं, कि चुपे टू रामजी, चुपे टू अनंत जी, चुपे टू अनशी,
तो उस दिन मुझे 100 रुपए मिले थे, 100 रुपीज भी मिला था परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं इतनी खुश हुई थी कि मैंने पेपर पे इनके साइन वाइन करवाया था लिखवा के, और 100 रुपए लिए थे कि मैं फ्रेम करा के घर में लगाऊंगी। तो मुझे 100 रुपए मिले थे, तो स्टैंडर्ड 20 से 100 में लेके आई। थैंक यू। नहीं नहीं, बट बहुत मजा आया, वो मेरा बड़ा स्पेशल मोमेंट है। तो हाँ, वही मैं बोलूंगी। How do I grow my career? And how important is this film? I think this is a far more important question. ये बहुत बहुत important film है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये फिल्म जब आप देख के निकलेंगे आप एंटरटेन तो होंगे, एंटरटेनमेंट का माध्यम है सिनेमा, लेकिन जो इन दोनों की जर्नी रही है उसको पर्दे को देख के आपको इस बात का जरूर विश्वास हो जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जीवन में, जब आपके पास कोई सही पार्टनर हो, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी एक सहारा हो और आप में विश्वास हो, तो आप जीवन में कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। कोई भी पड़ाव बड़ा नहीं है, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। एंड जो विल पावर और डिटर्मिनेशन की जो मैंने बात की थी, वो अपने आप ही, जैसे मैंने कहा, जो आपको कोई सही पार्टनर मिलता है, सो यू कैन फेस एनीथिंग एट ऑल। और मुखर्जी नगर में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे देशप्रेम की भावना रखते हैं या समाज में कोई चेंज लाना चाहते हैं, वो IAS IPS बन के ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ये हम सब जानते हैं कि ये जो एग्जाम्स होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, लेकिन जीवन भी, मतलब यू नो, कहीं ना कहीं कठिन है, लाइफ इज नॉट ईजी। तो बस लगे रहें, यू नो, अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। तो थैंक यू। थैंक यू।